दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद। दोस्तों आज जिस फल वृक्ष के बारे में व उसके फायदों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह खूब स्वादिष्ट, ठंडी तासीर वाला, खूब सुगंधित तथा नायाब फल है। सच तो यह है कि इसके छिलके भी कम गुणकारी नहीं होते, क्योंकि कई रोगों में अद्भुत लाभ करते हैं। यह फल खट्टा होने के बाद भी शरीर की क्षारीयता में वृद्धि करता है। यह नींबू कुल का जो पौधा होता है। नारंगी के फलों में रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले तत्वों की भरमार होती है। इसमें आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्वों की खूब मात्रा होती है। यही नहीं, विटामिन सी का तो यह भंडार माना जाता है। इसके गुणकारी तत्व शरीर को शीघ्रातिशीघ्र ऊर्जा से भरने का कार्य करते हैं। इसी कारण इन्हें थकावट नाशक भी कहा जाता है। संतरा फल भूख को बढ़ाने वाला, भोजन की इच्छा पैदा करने वाला, स्वाद बढ़ाने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, खून की कमी का नाश करके उल्टी, जी मिचलाना, प्यास की अधिकता, गर्मी आदि रोगों में भी बड़ा लाभ करता है। यह थकावट आदि का नाश करके शरीर को ऊर्जा से लबालब भर देता है। संतरा पाचन शक्ति को बढ़ाकर भोजन को शीघ्रता से पचाने वाली शक्ति से भरपूर है। विद्वानों का मत है कि संतरा खाने से हृदय, मस्तिष्क तथा शरीर के स्नायु तंत्र को नई ऊर्जा, नई शक्ति मिलती है। संतरा मूत्र तंत्र को ताकतवर बनाता है, उसको शक्ति प्रदान करता है। यह सच है कि संतरा बच्चों, बूढ़ों, स्त्रियों, पुरुष, रोगियों, कमजोर व्यक्तियों, गर्भवती स्त्रियों सभी के लिए अमृत की भांति कार्य करता है, परम हितकारी फल है। दोस्तों यही नहीं, संतरा बवासीर रोगियों, गैस, गुल्म के रोगियों, लीवर रोग, बीपी, चमड़ी के रोगों, एसिडिटी तथा दांत की बीमारियों में भी बहुत लाभ करता है। यह पेट के पाचन तंत्र के रोगों का नाश करके शरीर में बल, शक्ति की खूब वृद्धि करता है। जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, उन्हें संतरे के रस से खूब पौष्टिकता मिलती है तथा पाचन तंत्र मजबूत बनता है। रोगियों को मीठे संतरे का रस पिलाना, भोजन के बाद पीना अधिक लाभकारी है, क्योंकि यह खाने को शीघ्रता से पचा देता है। सच तो यह है कि अधिक रोगों के रोगियों को भी इसे पिलाना लाभकारी है, लेकिन कफ रोगों में तथा शीत प्रकृति वालों के लिए यह हानि करता है। अतः शहद, सेंधा नमक, काली मिर्च, चून मिलाकर ही उन्हें पिलाना चाहिए। संतरे की जो झिल्ली है, जो सफ़ेद होती है, उसको हटाकर खिलाना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर भार डालती है। दोस्तों अगर कब्ज रहती है तो नारंगी या संतरे का रस गर्म पानी में मिलाकर रोगी को पिलाने से बहुत लाभ होता है। अगर नेत्र ज्योति यानी आँखों की रोशनी कम है तो संतरे के रस में काली मिर्च का चून डालकर पिलाने से, कुछ दिन तक नियमित पिलाने से आँखों की रोशनी खूब बढ़ जाती है। यही नहीं, नारंगी का शरबत आदि का भी खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके छिलके भी कम गुणकारी नहीं हैं, क्योंकि छिलके के अर्क रस, चून, तेल, मदर टिंचर, आसव का भी निर्माण कर रोगों में प्रयोग किया जाता है। छिलकों से लेप, सुगंधित पदार्थ, क्रीम आदि भी बनाए जाते हैं। दोस्तों संतरे के छिलकों की चाय भूख को बढ़ाती है। छिलकों के चून में शहद मिलाकर चाटने से उल्टी, जी मिचलाने की समस्या में लाभ होता है। छिलके रगड़ने से, चून का लेप लगाने से जो मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, चेहरे की परेशानियाँ हैं, काले धब्बे, दाग आदि का नाश हो जाता है और चेहरे पर क्रांति व सुंदरता की झलक साफ दिखाई देने लगती है। दोस्तों शोधों में भी स्पष्ट हो गया है कि संतरे के जो छिलके हैं उनमें एक पाया जाने वाला तत्व जिसे डी लाइमोनिन कहते हैं, वह पित्ताशय की यानी पित्त की थैली की पथरी को गलाने में बहुत मदद करता है।
इस प्रकार दोस्तों संतरा फल छिलकों सहित खूब गुणकारी है। दोस्तों अगर बुखार पुराना है तो संतरे के रस में चिरायतारक 10 से 15 ml मिलाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है। अगर वीर्य में गर्मी है, प्रमेह रोग हो गया है तो नारंगी के रस में थोड़ा शीतल चीनी का चून डालकर पिलाने से रोगी को बहुत लाभ होता है। दोस्तों अगर अम्लपित्त की परेशानी है, पित्त अम्लीय यानी खट्टा हो गया है, एसिडिटी होती है तो नारंगी रस में भुना जीरा चूर्ण तथा सेंधा नमक मिलाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है और एसिडिटी की परेशानी में आराम आ जाता है। अगर बच्चे कमजोर हैं तो उन्हें हष्टपुष्ट बनाने के लिए 100 ग्राम ठंडे दूध में 25 ग्राम नारंगी का रस, मीठी नारंगी का रस मिलाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है और बच्चों की शरीर में पोषकता की वृद्धि होकर बच्चे हष्टपुष्ट बनने लगते हैं। दोस्तों अगर गर्भावस्था में संतरे या संतरे का रस पिलाया जाए तो गर्भवती स्त्री को जो उल्टी की, दस्त, अपच, जी मिचलाना आदि की समस्या है, वो उपद्रव होते हैं, परेशानियां होती हैं तो उनका नाश हो जाता है। और एक खास बात यह है कि जो संतान उत्पन्न होती है वह भी सुंदर और गोर वर्ण की होती है। इस फल को नारंगी, त्वक सुगंध, संतरा, नारेगा, लेबू, कमला लेबू, ऑरेंज तथा साइट्रस रेटिकुलेटा आदि नामों से जाना जाता है। इस फल को सभी जानते हैं, वे खूब चाव से खाते हैं। इसके वृक्ष सदा हरे भरे रहने वाले झाड़ी नुमा होते हैं। इसके पत्र छोटे व कोमल होते हैं। इसके पुष्प श्वेत रंग के तथा खुशबूदार होते हैं। नारंगी फल की जो मज्जा होती है वो मीठी, खट्टी तथा रसीली होती है। इसके बीज कठोर सफ़ेद होते हैं तथा फांकों में अनेक निकलते हैं। दोस्तों यह नारंगी जो फल है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति को यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले तत्वों से भरपूर है। यह ठंडी प्रकृति का व खूब गुणकारी है। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, चिकित्सा सलाह से करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।